दोस्तों, आज दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है। दिल्ली वालों को क्या मिलेगा और देश भर में जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, महंगाई चरम पर है, इस सब पर चर्चा होनी थी। विधानसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल और विपक्ष के तौर पर बीजेपी के तमाम विधायक मौजूद थे, लेकिन इस मौजूदगी में किस तरीके से मोदी जी के किए कराए पर बीजेपी के विधायक ने पानी फेरा है दोस्तों, इसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के विधायक का बयान सामने आया है दोस्तों, उससे लगता नहीं है कि ये जो है देश के मुद्दों पर गंभीरता से सोचते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि ये जो है संवेदनशील मामले को संवेदनशील तरीके से देखना चाहते हैं। मोदी जी लाल किले से कहते हैं कि हम मणिपुर को लेकर चिंतित हैं, व्यथित हैं, मणिपुर में जल्द ही शांति बहाल होगा, मणिपुर की ज़िंदगी वापस से पटरी पर लौट रही है। 2 घंटे के भाषण में 2 मिनट मणिपुर पर मोदी जी बोलते हैं। सदन में भी कुछ ऐसा ही होता है, जब मणिपुर के मुद्दे पर मोदी जी भागते हुए नज़र आते हैं, चुप होते हैं, तो मोदी जी को बुलाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। लेकिन इसी अविश्वास प्रस्ताव के बीच मोदी जी को जबरदस्ती मणिपुर पर 2 मिनट बोलना होता है। बाकी तो वो हमेशा की तरह चुनावी बातें करते हुए नज़र आए हैं, विपक्ष को कोसते हुए नज़र आए, लेकिन आज जिस तरीके की बातें बीजेपी के विधायक की तरफ से की गई है दोस्तों, इससे तो यही लगता है कि बीजेपी के विधायक हो या बीजेपी के नेता हो, वो संवेदनशील मुद्दे को संवेदनशील समझते ही नहीं हैं। वो मणिपुर जैसे मुद्दे पर किस तरीके की बात कर गए, देश का नागरिक सुनकर शर्म से सर झुका लेगा कि हमने ऐसा नेता चुना था, हमने ऐसा विधायक चुना था जो कहता है कि मणिपुर का मुद्दा हमारे लिए कुछ नहीं है, मणिपुर पर यहाँ पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, मणिपुर क्या है क्या नहीं है उस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए, ये सब कुछ बीजेपी के विधायक कह रहे थे दोस्तों। और तो और, आज सदन के अंदर क्या कुछ हुआ है ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी कि जो दिल्ली विधानसभा सत्र शुरू हुआ है और विधानसभा सत्र के दौरान किस तरीके की नारेबाजी चली है और बीजेपी के विधायक का क्या बयान रहा है, वो सब कुछ मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बीजेपी विधायक की बात करूँगी कि बीजेपी विधायक का जो बयान है वो किस तरीके से सामने आया है, और इसके बयान से ये लगता है दोस्तों कि ये बिल्कुल भी इस मुद्दे पर ज़रा सा भी इनको लज्जा नहीं है, ज़रा सा भी शर्म नहीं है, तभी तो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। कोई विधानसभा सत्र में इस तरीके का बयान कैसे दे सकता है दोस्तों? इनफैक्ट चाहे अंदर हो या बाहर हो, विधानसभा के अंदर हो या बाहर हो या कहीं पर भी हो, या कोई भी नेता हो, इस तरीके की बयानबाजी नहीं दे सकता है। जिस तरीके से मणिपुर के हालात बद से बदतर हुए हैं, वो आपको मजाक लग रहा है क्या? आपको जनता ने सिर्फ वोट देकर कुर्सी दी है और जनता की मुसीबतें, जनता की परेशानियाँ, इस पर कौन सोचेगा, इस बारे में कौन बात करेगा? और अगर बात निकलेगी तो आप ये कहकर पलड़ा झाड़ेंगे कि कहते हैं दोस्तों ये मणिपुर के विधायक, बीजेपी के विधायक दिल्ली विधानसभा के अंदर, कि मणिपुर पर चर्चा जो है हम नहीं करेंगे, हमारे लिए मणिपुर कोई मायने नहीं रखता है। सीधा सीधा इनका बयान है बीजेपी विधायक का कि हमारे लिए मणिपुर जो है वो कोई मायने नहीं रखता है। अब आप सोचिए कि बीजेपी के विधायक होकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। एक तरफ मोदी जी दुख जताते हैं, मन में क्रोध भरते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक, मोदी जी के विधायक मणिपुर पर कैसी ओछी बात कर गए हैं? क्या पार्टी के नेताओं को मणिपुर की सिचुएशन के बारे में पता नहीं है? क्या वो जानकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब कुछ जानते हुए अनजान बन रहे हैं? एक होता है कि नहीं मालूम है, पिछले 3-4 महीने से, 3-3.5 महीने से दोस्तों, 4 महीने नहीं हुए अभी, 3.5 महीने से मणिपुर की क्या स्थिति है ये देश का हर एक नागरिक जान रहा है। और यही वजह रही कि मोदी जी को लेकर अविश्वास प्रस्ताव इंडिया गठबंधन की तरफ से लाना पड़ा, ताकि मोदी जी कुछ कहें, क्योंकि मोदी जी कह नहीं रहे थे, पार्लियामेंट हाउस में आ नहीं रहे थे, और जब आए तो 1-1 मिनट 2-2 मिनट की बातें करके निकल गए, और इनके विधायक तो इनसे भी टॉप कर गए। आज मोदी जी सुन रहे होंगे ये भाषण तो उनका सर जो है वो शर्म से झुक गया होगा कि किस तरीके के नेता जो हैं उनकी पार्टी में हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। और फिर दोस्तों
मैं आपको ये भी बता दूं कि आज सदन के अंदर किस तरीके से दिल्ली विधानसभा में मणिपुर का मुद्दा उठाने के बाद विधायकों ने मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में नारे लगाए गए हैं। ज़बरदस्त तरीके का नारेबाजी भी हुआ है। आज बीजेपी को लेकर घेरा गया है दोस्तों। और आगे एक और वीडियो सामने आई है जिसमें अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर मोदी सरकार पर, मोदी जी पर कटाक्ष करते हुए नजर आए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पिछले 9 सालों में जब देश में कोई मुश्किल आई तो प्रधानमंत्री कुंडी मारकर अपने घर में छुप गए। ना मणिपुर के लोगों को कोई शांति की अपील की, ना जिनको बेटियाँ कहा था उन पहलवानों की मदद की। तो इन्होंने सीधे तौर पर ये बातें कही है कि कैसे जो है बीजेपी के राज्य में ये सब कुछ हो रहा है। ANI की तरफ से भी एक खबर आई है ये अरविंद केजरीवाल की बयान को लेकर कि भाजपा के विधायक साफ कह रहे हैं कि उन्हें मणिपुर से कुछ लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी साफ संदेश है कि उनका मणिपुर से कुछ लेना देना नहीं है। जब से मणिपुर की घटना घटी है तब से प्रधानमंत्री चुप हैं। मणिपुर में अब तक 6500 FIR दर्ज हो गए हैं और 150 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं। ये सब कुछ केजरीवाल ने आज दिल्ली विधानसभा में कहा है दोस्तों। और इनके बयान जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं कि कैसे बीजेपी के लोग जो हैं वो इस सब मामले से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। इन सब चीज़ों से जो है वो उनका बचना जो है वो काफ़ी पार्लियामेंट में भी बचते हुए नज़र आए और दिल्ली विधानसभा सत्र में भी बचते हुए नज़र आ रहे हैं। यही नहीं, हंगामों के बीच बीजेपी विधायक, 4 बीजेपी विधायक को आज दिल्ली विधानसभा से मार्शल ने आउट किया है कि किस तरीके से ये लोग हंगामा कर रहे थे। और हंगामा इनका इतना ज़्यादा बढ़ गया, जब इनसे सवाल पूछा गया, जब इनको घेरने की कोशिश की गई विधानसभा के अंदर, तो ये हंगामा करने लगे, जिसके बाद मार्शल ने इन्हें बाहर किया। और फिर इसके बाहर होने के बाद सड़कों पर ये विरोध करने लगे, भीड़ इकट्ठा कर ली। अगर आप इनसे मुद्दों पर बात कीजिएगा तो ये भीड़ इकट्ठा करने लगते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं। और कोई दूसरा इन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन करता है तो वो देश का गद्दार कहलाने लग जाता है, देश विरोधी कहलाने लग जाता है कि ये तो देश के गद्दार हैं, देश के विरोधी हैं, ये मोदी सरकार को जीतना नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन देश में चल क्या रहा है, मोदी सरकार के विधायकों के जो बयान हैं उसको सुनकर आप सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए कि सत्ता का जो नशा है वो कहाँ तक सर चढ़कर बोल रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।